सनातन सियासत का सच यह भी है कि बहुत जल्दी भगवान भरोसे हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बारिश कम हुई, किसानों की फसल सूखी, बिजली संकट मुहाने पर खड़ा है, आगे चुनाव आने वाले हैं, तनाव बढ़ रहा है, इसीलिए महाकाल की दर पर बारिश की प्रार्थना लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे। किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत, राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत, तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। मुख्यमंत्री अब किसानों को बचाने के लिए, बादलों को मनाने के लिए महाकाल की शरण में। चुनाव सिर पर है, किसान सिर उठाकर बादलों को देखता है, बादल बरस नहीं रहे, किसान तरस रहे। मुख्यमंत्री इसीलिए महाकाल के दर पहुंचकर प्रार्थना करते हैं, बरस जाओ भगवान। जो करना पड़े करेंगे, कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं, पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है, तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी जैसे मिलेगी मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा। महाकाल से चुनावी मंचों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बार बार कह रहे हैं, ऊपर भगवान नीचे शिवराज, और बीच में वो किसान को फंसने नहीं देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा, और दूसरे भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से, कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा, इस समय मुझे और कुछ नहीं देखना। दरअसल मालवा इलाका सबसे ज्यादा चिंता की वजह बन रहा, शाजापुर में सोयाबीन की फसल बारिश न होने से सूख रही, चुनाव का वक्त है, किसानों का दर्द बांटने कांग्रेस के नेता खेत तक पहुंचने लगे। केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, इनको ये सब पूजा करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ सर्वे हो और मुआवजा दिया जाए। अगर मालवा में बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन की फसल में कीड़े पड़ने लगे, नष्ट होती फसल से किसान लाचार। फसल बिल्कुल 100% 80% का समथिंग खत्म हो चुकी है, और इसके बाद ना तो हमारे पास पानी की सुविधा है, ना हमारे पास ना ट्यूब है, ना कोई ऐसा बावड़ी है कि हम इससे सिंचाई कर सके। 1 जून से 4 सितंबर तक मध्य प्रदेश में सामान्य से 19% कम बारिश हुई, पूर्वी मध्य प्रदेश में 15% कम बारिश हुई, पश्चिमी हिस्से में सामान्य से 22% कम बारिश हुई। 1 जून से 1 सितंबर तक एमपी में औसत 792 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल सिर्फ 662 मिलीमीटर बारिश हुई। विंध्य के सत्ता में 47% कम बारिश रिकॉर्ड हुई, सीधी में 37% कम बारिश। सबसे उपजाऊ कहे जाने वाले मालवा इलाके के मंदसौर में सामान्य से 41% कम बारिश हुई। बारिश न होने से सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली और दाल की फसल पर असर पड़ रहा है। चिंता खेत की ही नहीं, चिंता ये भी है कि बारिश न होने से बांध में पानी कम है, गर्मी ज्यादा है, खपत बिजली की बढ़ी है, संकट बड़ा हुआ है, बिजली कटौती बढ़ी तो परेशान वोटर चुनाव में फैसला करने लगेगा, इसीलिए मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा करके अर्जी लगा रहे। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।